बिहार सरकार के लैंड रजिस्ट्रेशन के नियम में बदलाव को लेकर कहा जा रहा है कि जमीन की रजिस्ट्री अब आसान हो जाएगी, लेकिन बिहार के लोगों को जमीन रजिस्ट्री में हो रही परेशानी को देखकर यही लगता है कि सरकार के नियम सिर्फ कागजों में बनकर रह गए हैं। जी हाँ, जिस तरह एक आदमी जमीन रजिस्ट्री के लिए सरकार के एक विभाग से दूसरे विभाग चक्कर काट रहा है, इतना ही नहीं काम जल्दी कराने को लेकर वो रिश्वत तक देने को मजबूर है, बावजूद इसके उसका काम नहीं हो पा रहा है। प्रशासन के इस ढीले रवैये को लेकर लोगों में गुस्सा है। लोगों का मानना है कि बिहार सरकार ने घर का पैसा घर में रहने की सोच को लेकर जमीन रजिस्ट्री के लिए सहकारिता विभाग की तरफ से संचालित कोऑपरेटिव बैंक को जिम्मा दिया है, लेकिन सही व्यवस्था नहीं होने के कारण अपना पैसा देकर भी जमीन निबंधन कराने में लोगों को परेशानी हो रही है और समय पर चालान नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर निबंधन कराने गए लोगों ने पटना निबंधन कार्यालय में हंगामा कर दिया और कहा कि बिहार सरकार अपनी लचर व्यवस्था के कारण लोगों को परेशान कर रही है। क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पर? जो है आम पब्लिक को यहाँ समस्या होती है, बराबर जो है यहाँ पर कहते हैं कि पैसा नहीं है और लोगों को परेशानी होता है, जबकि यहाँ पर राज्य सरकार के करोड़ों करोड़ रुपया प्रतिदिन जो है यहाँ पर रुपया रेवेन्यू आती है, लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर लिंक फेल के जो है यहाँ पर लगा दिया जाता है, बोर्ड लगा दिया जाता है और लोग लिंक फेल लगाने का कर देते हैं और यहाँ पैसा नहीं। यहाँ लगभग 500 लोग यहाँ सुबह से लौट के गए हैं, इसलिए मैं राज्य सरकार से मैं मांग करता हूँ, ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ कि आप जो व्यवस्था किए आम पब्लिक के लिए यहाँ पे आप व्यवस्था करवाइए। यहाँ पैसा नहीं रहता है, पब्लिक लौट के जाता है, जबकि रेवेन्यू नहीं रहेगा तो सरकार नहीं चलेगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आप जो है यहाँ पर व्यवस्था करवाइए, पूरे बिहार की आपका जो है निबंधन कार्यालय में पैसा बराबर समाप्त हो जाता है और पब्लिक गुमराह करने के लिए सीधे कहते हैं कि यहाँ लिंक फेल है, लिंक फेल है, जबकि लिंक फेल नहीं है, कैश नहीं है। इसका प्रमाण आप कैसे दीजिए? इसके लिए यहाँ पर गए थे सुबह से, कई लोग गए यहाँ, कई लोग गए थे, लेकिन वहाँ जो है कहीं की पैसा नहीं है और सीधे उन्होंने लिंक फेल, यहाँ काउंटर पर गए थे, यहाँ पैसा जमा होता है निबंधन के लिए, यहाँ निबंधन के लिए पैसा जमा होता है और यहाँ पर जो है पैसा नहीं है, कहते हैं कि पैसा समाप्त है, पैसा है नहीं, लोग परेशानी उठाना पड़ता है, लोगों को काफ़ी परेशानी उठाना पड़ता है। सुधीर कुमार यादव, पूर्व जिला पार्षद फतुहा, भारतीय जनता पार्टी, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा बिहार। दरअसल जमीन निबंधन करने में पब्लिक पहले कोऑपरेटिव बैंक में पैसा जमा करती है और कोऑपरेटिव बैंक वित्त विभाग के ट्रेजरी में पैसा भेजते हैं और निबंधन कार्यालय के काउंटर पर ट्रेजरी में चालान मिलता है, उसके बाद जमीन की रजिस्ट्री होती है। बिहार सरकार पहले ही जिम्मा स्टेट बैंक को दिया करती थी, उस वक्त कोई परेशानी नहीं होती थी, लेकिन बिहार सरकार ने अपने सहकारिता विभाग के कोऑपरेटिव बैंक को जिम्मा दे दिया है। कोऑपरेटिव बैंक समय पर ट्रेजरी में पैसा नहीं भेजती है, जिसके कारण ट्रेजरी में बैलेंस शो नहीं करता है। हालांकि काउंटर पर बैठे कर्मचारियों ने कहा कि इसमें पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी, नया सॉफ्टवेयर निबंधन विभाग की ओर से लाया गया है और इस सॉफ्टवेयर में पैसा बैंक से भेजा जाता है परंतु स्टॉक में शो नहीं करता है, इसके कारण परेशानी हो रही है। इसके लिए वित्त विभाग के वरीय अधिकारियों को सूचना दी गई है। क्या समस्या आ रही है? जनता बाहर है, वो आप पे आरोप लगा रही है कि पैसा नहीं है अकाउंट में, जिससे जो क्या आप हमेशा लिंक फेल कर देते हैं, पब्लिक यहाँ से लौट के जाता है, क्या बात है? सर देखिए, जब से मतलब पहले जो कि स्टॉक होल्डिंग थी, ठीक है, तो जब भी हम लोग का रिचार्ज जो था सक्सेस जो है कि टाइम टू टाइम हो जाता था जब भी हम लोग रिचार्ज करते थे, लेकिन जब से ये नया सॉफ्टवेयर आया है सर, तब से ये प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, जबकि रिचार्ज जो है कि हमारा प्रतिदिन किया जा रहा है लेकिन अपडेट नहीं हो पा रहा है। इससे मैं क्या पब्लिक को आप क्या कहते हैं, क्या दिक्कत है, कैसे सही होगा ये चीज़? सर फाइनेंस डिपार्टमेंट से पता करना पड़ेगा सर, क्योंकि हमारे एंड से कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग का जो है प्रतिदिन रिचार्ज किया जाता है लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रहा है सर, मेरा GRN जो है कि हमेशा पेंडिंग दिखाता रहता है सर। जी इसके लिए हम अपने अधिकारी लोग से बात किए तो बोला गया है कि मतलब विभाग को बता दिया गया है सर, नहीं सर। क्या नाम है? नीरज कुमार मेरा नाम हुआ। कारण जो हो, लेकिन जमीन खरीदने वालों को निबंधन विभाग के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसको लेकर निबंधन कार्यालय में प्रतिदिन हंगामा देखने को मिल रहा है।